नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर के विजन वैली स्कूल में धूमधाम से मनाया गया फाउंडर्स डे। काशीपुर के विजन वैली स्कूल में फाउंडर्स डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस पहुंचे। बच्चों में पूरे कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं बच्चों की इस शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए अतिथियों तथा अभिभावकों ने जमकर तारीफ की। अब नजर डालते हैं काशीपुर की अन्य खबरों पर। काशीपुर बसपा नेता एम ए राहुल सड़कों की जर्जर अवस्थाओं को लेकर बैठे धरने पर। काशीपुर बाल एसोसिएशन एवं रामनगर बाल एसोसिएशन के बीच क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन। तमंचे व कारतूस समेत एक युवक को आईटीआई पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में भिन्न भिन्न जगहों पर गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने। वाहन चालक द्वारा अपनी कार वैगनार तेजी से चलाकर युवक की माता को पीछे से टक्कर मारने का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर बसपा नेता एम ए राहुल पासपोड़ान स्थित पुलिया की जर्जर अवस्था को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चाहते हैं कि शहर में कोई ना कोई बड़ा हादसा होता रहे। वहीं अगर जल्दी ही इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वह भूख हड़ताल पर बैठने को बाधित होंगे। काशीपुर बार एसोसिएशन एवं रामनगर बार एसोसिएशन के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मैच में टॉस जीतकर रामनगर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 136 रन बनाए और जवाब में काशीपुर बार एसोसिएशन ने 19.3 ओवर में ही उक्त लक्ष्य प्राप्त कर मैच जीत लिया। उक्त मैच का आयोजन काशीपुर बाल एसोसिएशन की टीम मैनेजर उमेश जोशी ने के द्वारा कराया गया। काशीपुर बाल एसोसिएशन क्रिकेट टीम के कप्तान महराज खान ने काशीपुर बाल एसोसिएशन टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए। तमंचे व कारतूस समेत एक युवक को थाना आईटीआई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग और अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु अभियान के अंतर्गत काशीपुर पुलिस द्वारा द्रोणासागर टीले के पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ रोहित पुत्र मणिपाल निवासी चैती गांव, संजय पुत्र गुलशन कुमार को अवैध 2 तमंचे 12 बोर और 315 12 बोर तथा 1 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गणों द्वारा वादरी से मकान बेचने का सौदा करने तथा एवज में 7,30,000 रुपए की धोखाधड़ी करना व बिनामा कराने को कहने पर गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस द्वारा उक्त मामले के चलते मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा अपनी कार वैगनार संख्या UK18P8027 तेजी से चलाकर एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसके बाद उसके पुत्र द्वारा पुलिस को तहरीर सौंपी गई और पुलिस द्वारा उक्त मामले की जांच करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।